हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम लाइनक्स में किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली लाइनक्स में कमांड है RPM, रेडिट पैकेट मैनेजर, जिसके थ्रू हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और क्वेरी भी कर सकते हैं। आइए देखें हम किसी भी पैकेज को लाइनक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर लाइनक्स में DVD इंसर्ट करनी होगी और उसके लिए मुझे इसको माउंट करना होगा। तो माउंट करने के लिए मैं सबसे पहले जो कमांड चला रहा हूँ वो है MKDIR। ये एक्चुअली डायरेक्टरी बनाने के लिए है और मैं इसको रूट में बना रहा हूँ डायरेक्टरी को, और माउंट भी मैं इसी डायरेक्टरी में करूँगा। माउंट की कमांड है माउंट /dev/DVD। इसका मतलब मुझे DVD माउंट करनी है और यहाँ पे /RSC, यानी रूट फोल्डर, रूट में RSC नाम से फोल्डर है। इसके बाद अगर मुझे किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना होगा जो लाइनस की DVD में है, उसके लिए मुझे पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी में जाना होगा। तो इसके लिए कमांड है CD/RSC और उसके बाद एंटर, और CD स्पेस हम यहाँ पे कैपिटल P करके प्रेस कर सकते हैं टैब। और अगर मुझे लिस्ट ऑफ पैकेजेस देखने हो तो LS कमांड है। लाइनक्स के अंदर किसी भी पैकेज को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक्सटेंशन RPM होता है, RPM। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो है RPM -IVH और उसके बाद पैकेज का नाम। अगर आपको पैकेज का पूरा नाम याद नहीं है, आप टैब की प्रेस कर सकते हैं, जिससे उसका पूरा नाम अपने आप आ जाएगा। अगर ये दो नाम होंगे या दो पैकेजेस हैं तो दोनों की लिस्ट आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेलनेट करूँ यहाँ पे, और मैंने -n प्रेस कर दिया और मैं टैब प्रेस करता हूँ 2 बार, तो टेलनेट से स्टार्ट होने में दोनों की लिस्ट आ गई। एक है Telnet-0, एक है Telnet-server। मुझे किसी भी पैकेज को लोड करना है तो मैं उसका नाम देके सर्वर, और मैं टैब की प्रेस कर सकता हूँ और एंटर कर दूंगा। और या फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे Telnet-0-, ये देखिए जैसे मैंने टैब प्रेस करा तो पूरा नाम आ गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार से अगर हमें करना हो कोई पैकेज इंस्टॉल, जैसे XINETD, एंटर कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे I से मतलब इंस्टॉल है और V से मतलब वर्बोस और H से मतलब हैश। यानी अगर मैं कमांड में H यूज़ ना करूँ तो जो आप हैश देख रहे हैं ऐसे नहीं आएंगे। ये देखिए, अगर मैं अभी यहाँ पे RPM -IV यूज़ करता हूँ और मैं किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ, और मैंने अब इस कमांड में H नहीं यूज़ किया है और एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे ऐसे हैश के सिंबल नहीं आए। और अगर मुझे किसी भी पैकेज को रिमूव करना है तो रिमूव करने की कमांड है RPM -E, ई मतलब इरेज, और पैकेज का नाम। अगर मुझे कोई पैकेज की क्वेरी करनी है कि वो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो है RPM -Q फॉर क्वेरी और स्पेस पैकेज का नाम। अगर पैकेज इंस्टॉल है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैंने अभी टेलनेट सर्वर रिमूव कर दिया है सिस्टम में से, तो मैं अगर उसको क्वेरी करता हूँ RPM -Q और टेलनेट सर्वर,
देखिए, पैकेट टनलर सर्वर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अगर मुझे किसी भी पैकेज की इंफॉर्मेशन फाइल देखनी है तो उसके लिए कमांड है RPM स्पेस हाइफन QI स्पेस पैकेज का नाम। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये ग्रुप बता दिया किसका है, RPM पैकेज आ गया सोर्स, और ये साइज़ आ गया इसका, और इसके बाद ये पैकेज का मैन्युफैक्चर, और ये URL, और ये इसकी डिटेल्स। और अगर मुझे इसकी फाइल देखनी हो तो उसके लिए कमांड है RPM स्पेस क्यू टी और पैकेज का नाम। ये देखिए, अब ये कहाँ कहाँ जाके इंस्टॉल है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स, पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। और अगर मुझे किसी भी पैकेज को अपडेट करना हो तो उसके लिए कमांड है RPM स्पेस हाइफन पैकेज का नाम। यू करके हम यहाँ पे कैपिटल यू यूज़ करेंगे हम, और पैकेज अगर हमारे पास पैकेज ऑलरेडी लोड है और हमने इंटरनेट से नया वर्जन डाउनलोड कर लिया, हम चाहते हैं कि हमारा पैकेज अपडेट हो जाए, तो हम माइनस कैपिटल यू करके और पैकेज का नाम देंगे, हमारा पैकेज अपडेट हो जाएगा। और इसके अंदर लाइनेस में एक और इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं RPM कमांड के थ्रू। जैसे अगर मुझे RPM स्पेस, कई बार क्या होता है कि लाइनेस में हम जब किसी पर्टिकुलर सर्विस को लोड करते हैं तो वो पैकेज या सर्विस इंस्टॉल नहीं हो पाती, क्योंकि वो किसी दूसरी सर्विस के ऊपर डिपेंड है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए मुझे पहले एक सर्विस रिमूव करनी होगी जो मैंने अभी लोड करी है। अगर मैं जैसे अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ ये टेलनेट, तो उसके लिए कमांड है RPM स्पेस हाइफन IVH टेलनेट सर्वर। अगर मैं इसको एंटर करूँ और इंस्टॉल करता हूँ तो एक एरर मैसेज दे रहा है कि दिस सर्विस अनेबल टू इंस्टॉल, क्योंकि ये सर्विस जो है किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर डिपेंड है और सर्विस का नाम है XINETD। तो इसके लिए या तो मुझे पहले ये सर्विस इंस्टॉल करनी होगी, या फिर एक कमांड और है जिसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए वो कमांड क्या है, RPM स्पेस हाइफन IVH उसके बाद माइनस माइनस नो डेप्स मीन्स नो डिपेंडेंसीज और पैकेज का नाम। इस पैकेज के थ्रू, इस कमांड के थ्रू मेरी सर्विस लोड हो जाएगी जो कि इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर डिपेंड है। ये देखिए, तो इस प्रकार से अगर हमें कोई ऐसी सर्विस लोड करनी हो जिसके लिए पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर डिपेंड है, तो हम RPM स्पेस हाइफन IVH और स्पेस डैश डैश नो डेप्स करके और पैकेज का नाम डालें तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूव का मैं एक बार आपको दोबारा से कमांड बता दूं, RPM स्पेस
हाइफन ई और पैकेज का नाम। तो हमने पैकेज को रिमूव करना सीखा, पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा, पैकेज को अपडेट करना सीखा, और कोई भी पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं इसके बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो यूज़ेबल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आप और भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।